आज के वार्षिकोत्सव विदाई कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री लक्ष्मण सोलंकी, सीबीयू चौहटन, साथ में हीरा लाल जी, नंदलाल जी चौहान पीओ चौहटन, स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य नानगाराम जी, अनुपराम जी सोनी प्रधानाचार्य बालिका चौहटन, कुमाराम जी प्रधानाचार्य कापराव, बाबूलाल जी चौहान प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज चौहटन, युवराज जी काका प्रधानाचार्य रत्ता सर, चन्नाराम जी विक्रेता चौहटन, विकास जी इस विद्यालय की एसएमसी अध्यक्ष ठाकरा राम जी गोदारा, मंच पे विराजमान मेरे सहपाठी आयदन राम जी गोदारा। आज का ये कार्यक्रम वार्षिकोत्सव और साथ साथ में एलुमनी मीट है वो भी होने जा रहा। इस कार्यक्रम का महत्व क्या है या फिर हम इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं वो हम समझ गए होंगे। इधर पांडव में विराजमान अभिभावकगण और मातृशक्ति, आपका भी अभिनंदन, आप भी इस चीज को समझ गए होंगे कि शिक्षा क्या है, ये मंच क्या है, ये मंच बच्चों में रंग भरने का काम है वो करता है। बहुत सारी स्कूलें हैं, उन स्कूलों में ये स्कूल अलग किस रूप में है वो भी अभी वक्ताओं के माध्यम से आप तक बात है वो पहुंची। मैं अपनी बात इस रूप में कहना चाहूंगा कि हम विद्यालय में आते हैं तो उसका कुछ उद्देश्य है, कुछ टारगेट है, हम यहां कुछ सीखने के लिए आते हैं। कई लोग कहते हैं पढ़ने के लिए आते हैं, हम यहां इस बगिया की खुशबू कहे वो हमारे ये बच्चे हैं और इन बच्चों को संवारने का काम कहे वो इस बगिया के माली स्टाफ साथी है वो कर रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या रहता है वो इस मंच के माध्यम से साल के अंत में अभिभावकों के सामने वो रखा जाता है। इस बात से हम समझ जाते हैं कि जीवन जीने की एक कला है, वो कला इस प्रकार के स्कूल्स है उसमें सिखाई जाती है और हम अभिभावक हैं वो भी घर पे बच्चों को टाइम दे, बच्चों के ऊपर ध्यान रखें तो बहुत बड़ी उपलब्धि है वो हमें हासिल हो सकती और हमारी जो संपत्ति है वो संपत्ति ये बच्चे हैं। हमने 100 बीघा जमीन ले रखी है, 4 मंजिला मकान बना रखा है, कई जगह बेरे कर रखे हैं, फसल है खूब होती है, वो हमारी ओरिजिनल संपत्ति नहीं, ओरिजिनल संपत्ति है वो हमारे ये बच्चे हैं। बच्चों के अंदर यदि हम संस्कार भर लेंगे, शिक्षा भर लेंगे तो वो बच्चे
हमारा नाम करेंगे, समाज का नाम करेंगे, देश का नाम वो करेंगे और साथ में संस्कार की बदौलती हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। पीछे एक कोटेशन लिखा हुआ है अरस्तु का, आप सारे देख रहे हैं, उसमें ये लिखा है कि हम किताब पढ़कर बुद्धिमान बनते हैं और बुद्धिमान के आधार पर हम निर्णय देते हैं, लेकिन उस निर्णय में यदि न्याय की बात नहीं है तो वो न्याय नहीं है, एक धोखा है। और आजकल समाज में हम देख रहे हैं लोग निर्णय करने का काम कर रहे हैं लेकिन न्याय करने का काम है वो नहीं कर रहे। इस मंच के माध्यम से बच्चे न्याय क्या होता है, न्याय कैसे किया जाता है, न्याय किस प्रकार किया जाता है वो भी सीख सकते हैं। रही बात बच्चों को किस प्रकार पढ़ना चाहिए, कैसे वो आगे मोटिवेट हो, किस प्रकार हो, बहुत सारे उदाहरण है वो आपको कक्षाओं के अंदर वो दिए जाते हैं। उसमें हमारे यदि आंखें और कान है वक्ताओं की तरफ होंगे तो हम उस चीज को ग्रहण कर पाएंगे और जीवन में उतार पाएंगे। सुनना अलग चीज है और जीवन में उतारना अलग चीज है। पहले हम सुने, देखें, उसकी पहचान करें कि क्या सही है क्या गलत है, गलत को छोड़ें, सही को ग्रहण करें। अभी अनुपम राम जी ने भी बताया पॉजिटिव और नेगेटिव, हम पॉजिटिव है लेकिन मामूली से नेगेटिव हो जाते हैं, तो नेगेटिव होते ही जो हमारे पास में पॉजिटिव विचार है वो खत्म हो जाएंगे। उदाहरण आपके सामने है, दूध है, भगोला या कढ़ाई बड़ा में होता है वो हमारे लिए पॉजिटिव है और एक कासर का बीज है वो नेगेटिव है, उसके अंदर गिर जाता है, कढ़ाई भरा हुआ दूध है वो खराब हो जाता है। तो हमारे विचार हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव है वो बिल्कुल नहीं आने चाहिए, तब तो हम अपने पथ में आगे वो बढ़ पाएंगे। और दूसरा, कोई भी चीज हमें करने जा रहे हैं उस चीज के प्रति समर्पण होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, तब तो हम उस काम को पूर्ण कर पाएंगे। और यदि ये चीजें नहीं है तो हम उसको पूर्ण नहीं कर पाएंगे। बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि एक बार टोडर बल का नाम आपने सुना है, जयपुर के निवासी आचार्य पंडित टोडर बल, वो कोई ग्रंथ बनाने की लिखने की योजना बना रहे थे और लग गए पढ़ने लिखने में, तो ये करते करते उनको कई दिन बीत गए, कई महीने बीत गए, आगे चल के ग्रंथ वो पूरा होने जा रहा था। एक दिन अपनी माँ के पास में भोजन करने के लिए बैठे और माँ ने सब्जी परोसी, रोटियां परोसी, दो चार ग्रास है वो लिए और टोटल में रहे रुक जाते। माँ कहती है क्या हुआ, वो बोले नहीं, दोबारा पूछते हैं कि क्या हुआ, तो कह रहे माँ शायद आज आपने सब्जी में क्या कहते नमक है वो डालना भूल गई। तो ऐसा तो हो सकता है, वो घूर घूर के माँ की तरफ है वो देखने लगा। तब माँ ने कहा क्या मैंने कोई गलत बात तो न कर दी,
तो वैसा नहीं है, गलत बात नहीं कही। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपने जो योजना बनाई थी एक ग्रंथ लिखने की, वो ग्रंथ आपका पूरा हो गया? तब टोडरमल कहते हैं हाँ वो मेरा पूरा हो गया और आज मैं चैन की सांस है वो ले रहा। तब माँ कहती है कि बेटा मैंने ये सब्जी में नमक काफी दिनों से पहले ही कम डालना शुरू कर लिया और उसका कारण ये था कि बेटा है मेरे से इस बहाने बात है वो करेगा और तुझे आज पता चला। उससे पहले वो माँ कहती है कि आपको कैसे पता चल गया? बेटा कहता है कि आपको कैसे पता चल गया कि ग्रंथ पूरा हो गया? तो कहने का अर्थ के पीछे ये है कि हम जो काम करने जा रहे हैं या हमारा जो उद्देश्य है उस के प्रति हमारा लगाव है, हमारी लगन है वो कितनी है, पता ही नहीं चलना चाहिए कि साइड में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, ये हमें पता ही नहीं होना चाहिए। हम इतना उसमें रत हो जाए और उसको प्राप्त करने का प्रयास है वो करें। तो ऐसा जुनून जज्बा है वो बच्चों के अंदर होगा तो बच्चा अपना लक्ष्य है, टारगेट है, वो आसानी से प्राप्त है, वो कर सकता है। दूसरी बात, मैं अभिभावकों से भी कहना चाहूंगा, आग्रह करूंगा कि ये विद्यालय ब्लॉक का मॉडल विद्यालय और जिस प्रकार मॉडल विद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा, आज स्वामी विवेकानंद भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनके विचार, उनके सिद्धांत, उनके किए हुए कार्य, उनका व्यवहार वो हमारे बीच में है और हम उनके पंचनों पे चलने का प्रयास करते हैं और वही बातें इस विद्यालय में सिखाने का काम है वो यहाँ के स्टाफ साथियों के द्वारा किया जा रहा है। और साथ में जो एडमिशन की नीति पॉलिसी है उसके बारे में भी यहाँ के प्रधानाचार्य नानगा राम जी ने आपको बता दिया। एससी एसटी ओबीसी और बालिका उसमें बीपीएल उनको वरीयता दी गई है, फिर भी टारगेट है नामांकन का वो कम है और वो कम होने के पीछे अभिभावकों का जागरूक कम होना है वो है। ये शिक्षा वो साधन है जिसके माध्यम से हम बहुत सारी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान है वो कर सकते हैं। जो काम तलवारें नहीं करती है वो काम कलम करती है। इतिहास हम पढ़ते हैं, बहुत सारे युद्ध होते हैं, युद्ध में खून खराबा होता है और युद्ध की समाप्ति है वो एक कलम के माध्यम से होती है। युद्ध होने के बाद में समझौता होता है और समझौता है वो एक पेन से कलम से लिखा जाता है और दोनों पक्षों को मानना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि तलवार से ज्यादा कलम है वो काम करती है। तो हमारे बच्चों को कलम के ऊपर जोर देने के लिए वो कहें इस प्रकार की अच्छे बातें सीखने और लिखने और जीवन में उतारने के लिए वो कहें। मैं बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कुछ ही महीने बाद में 3 मई को आपके बोर्ड के एग्जाम है शुरू होने जा रहे हैं और उससे पहले लोकल एग्जाम है वो भी, तो सभी को अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो इस प्रकार की शुभकामनाएं वो देना चाहूंगा। साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि मेहनत है उस मेहनत का कोई मोहताज है वो नहीं, हम जितनी मेहनत करेंगे उतना हमारा फल है वो मीठा होगा। उदाहरण आपके सामने है
नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उसे ना करता, आखिर उसकी मेहनत बेकार ना होती, कोशिश करने वालों की हार ना होती। इसी प्रकार गोताखोर सिंधु में डुबकियां लगाता है, जाता कर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं साजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। आखिर उसकी मेहनत बेकार ना होती, कोशिश करने वालों की हार ना होती। तो हमें कोशिश करनी है। वैसे गीता में भी लिखा है, हमारा काम है कर्म करना, मेहनत करना, फल है वो हम हमारे जो परम शक्ति गए या फिर जो भी मूल्यांकन करता है उस मूल्यांकन करता के ऊपर वो छोड़ दे। बच्चों के लिए मेहनत पसीने की फसल जब खिलती है, मेहनत पसीने की फसल जब खिलती है, एक से नहीं जमाने से बधाइयां मिलती है, एक से नहीं जमाने से बधाइयां मिलती है। तो हम सभी यहाँ का स्टाफ साथी, पढ़ने वाले बच्चे, बच्चों के अभिभावक, सभी का शिक्षक में रोल है, भूमिका है। तो हम सारे मिलकर प्रयास करेंगे, साझा प्रयास करेंगे, तो कोई भी लक्ष्य है उस लक्ष्य से हम दूर नहीं रह पाएंगे, उस लक्ष्य को हासिल करते रहेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। मैं इस विद्यालय परिवार का, यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, इन बच्चों से और इन अभिभावकों से रूबरू होने का मौका दिया। तहे दिल से आपका आभार, शुक्रिया, जय हिंद।